आज हम पढ़ रहे हैं ग्रेजुटी अनअप्रूव्ड। ये ग्रेजुटी ऐसी है ना, सीडीआर से अप्रूव्ड है और ना ही ये कमिश्नर से अप्रूव्ड है। इसके इसमें क्या होगा, तो सैलरी, डीए, मेडिकल, ये तमाम चीज़ों का हम एनुअल पे कन्वर्ट करेंगे। मेडिकल पे 10% का होता है बेनिफिट होता है, एम्प्लॉई को वो दे देंगे। 72,000 की बजाय सिर्फ 12,000 रुपये टैक्सेबल होगा। ग्रेजुटी चूँकि ये अनअप्रूव थी तो 50,00,000 की ग्रेजुटी मिली है, 75,000 एग्जेम्प्ट हो जाएंगे और बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। और ये 57,000 रुपीज़ इसकी टोटल इनकम आई, उसमें से इसके ज़कात को माइनस कर दिया तो ये 56,17,000 रुपीज़ टैक्सेबल इनकम है। इस पर हमने टैक्स कैलकुलेट किया तो 40,00,000 पर टैक्स कितना बनता है, 597,000 बनता है। और जो एक्सीडिंग है 40,00,000 से ऊपर वो क्या है, हमारी 56,00,000 है, 40,00,000 से ऊपर 16,00,000 27.5% टैक्स लगा दिया तो ये टैक्स बन गया 4,44,675। तो टोटल टैक्स दोनों को जमा किया ये बन गया 10,41,675, ये गवर्नमेंट ले लेगी। और बाकी ये जो पैसे हैं 45,75,325 ये बंदा जो है घर जाके अपने बीवी को बच्चों के साथ शेयर करेगा। थैंक यू।